अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको विज़िट कराएंगे 6.5 कनाल का फार्म हाउस, जो कि 5 कनाल का है और 1.5 कनाल इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है। ये कॉर्नर है, ब्लॉक सी के अंदर है। इस टाइम हम मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर पे, आपको इसका मुकम्मल विज़िट देते हैं। जो ही हम इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे इसका ड्राइंग रूम है। इंट्रेंस के साथ ही लेफ़्ट साइड पे इसका ड्राइंग रूम था और राइट साइड पे आप मुड़ते हैं तो यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है। ये इसके बिल्कुल साथ ही किचन है। इसमें तमाम तर ज़रूरियात की चीज़ें इंस्टॉल हैं, जिस तरह फ्रिज है और माइक्रोवेव है, बाकी सारी चीज़ें जो किचन में इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी इसमें इंस्टॉल हैं। इसके साथ ये दूसरा किचन है, ये भी इसी मुलहक्का एरिया में पाया जाता है, जो किचन का मेन एरिया है। उसके साथ ही ये लिफ्ट का सेटअप किया गया है, सामान ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। ये बिल्कुल किचन के साथ ही लगाई गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका बेडरूम। इसमें सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम भी लगाया गया है। ये बेडरूम है, इसके साथ ही अटैच बाथरूम है। अब हम दूसरे बेडरूम में इंटर हो रहे हैं। यह आप देख सकते हैं इसका भी सारा हीटिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रल लगा हुआ है। तमाम तर घर की सीलिंग अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसके साथ भी अटैच वाशरूम है। ये गैलरी से ही एक बाहर जाने का रास्ता है, जो कि ग्रीन एरिया की तरफ जाता है और स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की जो कोर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं उसकी तरफ। ये इसका बाहर का व्यू है जो ग्रीन एरिया से आपको नज़र आएगा। ये बिल्कुल सामने ही स्विमिंग पूल है। हम अभी आपको इसका
दिखाते हैं स्विमिंग पूल। ये इसकी मदम रोशनी है इसलिए साफ नज़र नहीं आया आपको। ये इस टाइम हम बाहर स्पोर्ट्स एरिया में जहाँ पे बैडमिंटन वगैरह के लिए कोर्ट बनाया गया है और इसके साथ लॉन भी है। एक रास्ता जो है वो इंट्रेंस यहाँ से भी है। ये हम दोबारा से आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये दूसरा सेटिंग एरिया है जो स्विमिंग पूल के सामने इसका रास्ता खुलता है और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स हैं। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे जो बेडरूम है उसमें आ गए। यहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, जितने भी रूम्स हैं उनकी वेंटिलेशन का जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छे से किया गया। इसके साथ अटैच बाथ है, इसी तरह जितने भी बेडरूम्स हैं उन सब के साथ अटैच बाथ है और हर तरफ से उनका जो एरिया है वो ओपन ही है बेडरूम का।